ये क्वेश्चन अगर हमारे अंदर आ जाए डीपली कि मेरे ये मन की भूख कैसे मिटेगी, एक बात तो पक्की है कि ये जो मैं काम कर रहा हूं, जो भी आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, काम कर रहे हो, उससे पेट की भूख मिटेगी फॉर श्योर। ये फैक्ट है, इन दोनों में हमको कंफ्यूज नहीं होना है। एक है पेट की भूख, एक है मन की भूख। जरूरी नहीं है जिससे मन की भूख मिटने वाली है उससे पेट की भूख मिटेगी, ना बिल्कुल नहीं मिटेगी। खुशी से पेट नहीं भरता है, आप खुश होकर के बैठे रहो, हाँ मैं बड़ा खुश हूँ, पेट भर जाएगा। उसके लिए काम करना पड़ेगा, उसके लिए पैसा चाहिए। पैसा कैसे आएगा? एक्शन से आएगा। बट किसी भी एक्शन से मैं कुछ भी कर लूं तो मेरा जो अंदर से जो डीप सेटिस्फैक्शन है वो मिलता नहीं है, वो टिकता नहीं है। कुछ देर के लिए तो रहता है, एक दो दिन के लिए, तीन दिन के लिए, कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा हो जाए। ये आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस है नहीं है? जिस सपने के पीछे आप पागल थे वो सपना जब पूरा हो जाता है तो कुछ दिन के लिए तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है, उसके बाद में बैक टू नॉर्मल लाइफ, बैक टू स्क्वायर वन। बैक टू स्क्वायर वन का मतलब हम समझते हैं कि जहां से शुरू किया था वहीं आ गए। असली जो सवाल पूछना है अपने आप से वो सवाल यही है कि अंदर सेटिस्फैक्शन कैसे मिलेगी, खुशी कैसे मिलेगी, पैसा कैसे मिलेगा। ये एक सवाल है जिसका आप सबको जवाब ढूंढना ही है, उसके लिए कोई चॉइस नहीं है। अगर शहर में रह रहे हो, दिल्ली जैसी जगह पर रह रहे हो तो यू नीड मनी, तो उसका हमको जवाब ढूंढना है। वो जॉब से मिलेगा, बिजनेस से मिलेगा, उसके लिए पढ़ना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा, व्हाटएवर। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक और एक डीपर लेयर की बात कर रहा हूं। सो अगर ये क्वेश्चन हमारे अंदर आ जाता है और इस क्वेश्चन के साथ हम ठहर जाते हैं तो वहां से ही हमको जवाब मिलना शुरू हो जाएंगे। अदरवाइज मैंने अगर इस क्वेश्चन का आपको जवाब दे भी दिया तो आप एक कान से सुनोगे, दूसरे से निकाल दोगे और वही करोगे जो कर रहे थे और करते रहोगे मरते दम तक। डिससेटिस्फाइड जियोगे, डिससेटिस्फाइड मरोगे। लेकिन अगर लाइफ में सेटिस्फैक्शन चाहिए, ऐसा सेटिस्फैक्शन कि अगर जी रहे हैं तो मजा आ रहा है हर सेकंड में, दिन के एक एक सेकंड में मजा आ रहा है, चाहे कुछ कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, जो चाहते हो मिले वो, चाहे मिल रहा है चाहे नहीं मिल रहा है, तब भी मजा आ रहा है। लाइफ के हर सेकंड में एक कमाल का कुछ अंदर चल रहा है। अगर चाहते हो कि ऐसा हो तो अपने आप से सवाल पूछना हमको शुरू कर देना है। सर जैसे मान लीजिए अभी मैं जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम अर्निंग वेल, ठीक है, बट उसमें अगर मुझे मजा नहीं आ रहा है, ठीक है, सो अगर मेरे अंदर से आवाज आती है यार चल छोड़ दे नौकरी, ठीक है, बट फिर जो मेरी जो फाइनेंशियली जो भी सिचुएशन है वो डिसबैलेंस हो जाएगी सर। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, प्लीज हैव अ सीट। मैं ये कह ही नहीं रहा कि आप नौकरी छोड़ो, मैं ये कह ही नहीं रहा कि आप नौकरी करो। आपको ये समझ आ गया, नौकरी करना भी सोल्यूशन नहीं है, छोड़ना भी सोल्यूशन नहीं है, नौकरी बदलना भी सोल्यूशन नहीं है। कुछ भी करके देख लो, कुछ टाइम तक बड़ा अच्छा लग रहा होता है बट फिर हर चीज के प्लस माइनस होते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, आप नौकरी कर रहे हो करते रहो, आप हाउसवाइफ हो हाउसवाइफ हो, आप हाउसवाइफ नहीं हो वर्किंग हो वर्किंग हो, लाइफ जैसी चल रही है वैसी चल रही है। कुछ भी लाइफ में छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, लाइफ आपने अपनी सेट करी हुई है ना कुछ दिमाग लगा करके, यहां से इतना पैसा आएगा, इतना खर्चा है, ये है वो है, इतनी सेविंग्स है, सबको अपने सेटिंग कर रखी है ना, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। वो सब किसके लिए है? पेट भरने के लिए है। मैं क्या कह रहा हूँ, आपका पेट तो भर जाएगा लेकिन पेट भरना सोल्यूशन नहीं है इंसान के लिए। जानवर के लिए इतना काफी है, जानवरों के लिए पेट भरना मतलब खुशी, आपके लिए पेट भरना मतलब खुशी क्या? पेट नहीं भर रहा है क्या हमारा? तीनों टाइम पेट भर रहा है ना, फिर भी खुशी नहीं है ना, अंदर से लाइफ में सेटिस्फैक्शन नहीं है ना, फिर हमें क्या लगता है कि हम कुछ और कर लेंगे, जहां से कुछ और आ जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे। तब भी पेट तो उतना ही भरेगा ना, दो रोटी खाते हो तब भी दो ही रोटी खाओगे ना। ये बातें नहीं आती ना पकड़ में, शक्ल से लग रहा है मुझे नहीं आ रही समझ। एनी हाउ जी, हाँ तो मैं अब क्या कह रहा था, जैसे स्पिरिचुअली हम आंसर ढूंढते हैं तो दैट इज ओनली मोक्ष। नहीं नहीं, ये सब भी कॉन्सेप्ट्स हैं, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। पहले से कुछ भी अज्यूम मत करो, क्योंकि जब हम अज्यूम करके कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वहां पे कोई डिस्कवरी नहीं होती है। जैसे कोई साइंटिस्ट है वो पहले अज्यूम करके कि इस सवाल का ये जवाब है और फिर वो उस सवाल का जवाब ढूंढेगा तो उसको वही जवाब मिलेगा जो पहले से अंदर पड़ा हुआ था, वो जवाब किसी काम का नहीं है तो उसको डिस्कवरी नहीं कहेंगे। तो मैं क्या कह रहा हूँ, आपको कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है, अपनी वाइफ को छोड़ना भी सोल्यूशन नहीं है, उसके साथ रहना भी सोल्यूशन नहीं है। ये बात डीपली समझ आ जानी चाहिए। हस्बैंड बदलना भी सोल्यूशन नहीं है, तो यहाँ सोचोगे हाँ ये पति की वजह कोई और पति आ जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा जी, सारे एक जैसे हैं, सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो अब आपको ये समझ आ गया कि ये सब चीजें सर्वाइवल के लिए तो ठीक है, ये सब जो ऊपर ऊपर जो गेम चल रही है वो सर्वाइवल के लिए ठीक है, लेकिन ये डीप लाइफ में सेटिस्फैक्शन हमें नहीं दे सकता है, चाहे कितना भी मिल जाए। ऐसी कुछ इल्यूजन हमारे माइंड में होती है कि ज्यादा पैसा मतलब अच्छा, ज्यादा ये मतलब अच्छा, ज्यादा वो मतलब अच्छा, तो ये इल्यूजन्स हमारी खत्म हो जाती हैं जैसे ही हम इसको देखते हैं, तब वो क्वेश्चन हमारा सीरियस क्वेश्चन होता है, तब वो क्वेश्चन सिंसियरली हमारे अंदर से निकल रहा होता है, तब इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए लाइफ में और कुछ नहीं होता है, तब हम ऊपर ऊपर चीजों में उलझे नहीं रह जाते हैं क्योंकि वहां पे हमेशा कंफ्यूजन रहेगा।
ये करूं ना करूं, छोड़ू ना छोड़ू, अभी छोड़ू बाद में छोड़ू, होता है नहीं होता है, चाहे जॉब हो चाहे ये हो वो हो, ऑल दीज थिंग्स आर नॉट दी आंसर, और वी कैन से दैट दीज आर टेम्पररी आंसर्स. जैसे खाना खाया भूख मिटी, वो टेम्पररी आंसर है, बट नॉट अ परमानेंट आंसर. कि हमारा माइंड पीसफुल हो जाए, दैट इज द परमानेंट आंसर. खुश होने के दो तरीके हैं, एक ये है जैसे हम सोचते हैं कुछ करके, कुछ पाके, जैसी लाइफ हम चाहते हैं वैसी लाइफ अपनी बना करके हम खुश हो जाएंगे, वो टेम्पररी है, ये बात हम देख पा रहे हैं. क्योंकि लाइफ को अपने हिसाब से बनाना मतलब एक सैंड कैसल बनाना. जैसे आप कभी सी बीच पे गए होंगे, हाँ दिल्ली में तो नहीं है, कहीं ना कहीं तो गए होंगे, गोवा मुंबई व्हाटएवर, तो वहाँ पर हम एक मिट्टी का एक कैसल बनाते हैं. तो लाइफ को परफेक्ट बनाना मतलब एक मिट्टी का कैसल बनाना. एक लहर आने की देर है, कहाँ गया वो कैसल जिसको बनाने में आपको पता नहीं 5 साल लगे, 10 साल लगे, 1 सेकंड में सब गायब. 10 साल लगे एक जॉब में एक पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचने में, आप बन गए बेस्ट इंप्लॉई ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी, और अगले दिन आपको पता लगा चलो जी बाहर निकले. होता है नहीं होती है सब चीजें? हाँ. तो क्या हुआ उसके बाद में, लाइफ की क्या हालत हुई? एंगर आ गया, फ्रस्ट्रेशन आ गया, परेशान हो गए. जब टाइम अच्छा चल रहा था तब तुमने बैठ करके क्वेश्चन पूछा ही नहीं तब इस चीज को देखा ही नहीं. तो हो सकता है जो आंसर हो वो उससे बिल्कुल अलग हो, जो तरीका हो, मैं बस तरीका आपको हल्का सा हिंट दे देता हूँ कि वो तरीका क्या है जो थोड़ा सा इस दुनिया से अलग है. वो क्या है कि एक तरीका है बाहर चीज़ों से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, आपकी बॉडी से रिलेटेड, पर्सनालिटी से रिलेटेड, आपकी लुक्स से रिलेटेड, लोगों की तारीफ से रिलेटेड, बिकॉज ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, ये सब बाहर हो गया. दूसरा जो तरीका है खुश होने का वो है डीप विद इन, जो आप हो उसको समझने से रिलेटेड. अगर आप समझ जाओ कि आप कौन हो तो दैट इज अ परमानेंट आंसर टू एनीथिंग एंड एवरीथिंग. और उसको समझने के लिए कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी उल्टे सीधे काम करने की जरूरत नहीं है, कोई मेडिटेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना है. कैसे समझते हैं? बैठ करके टिक करके आराम से समझना है कि मैं कौन हूं. अगर वो आंसर धीरे 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 क्लियर होता चला गया तो दैट इज द परमानेंट सोल्यूशन. उससे क्या होगा, जो सेंस ऑफ लैक है आपके अंदर से वो निकल जाएगा. जो अपने आप को कम समझते हो और ज्यादा बनने के लिए कुछ कर रहे हो, यही तो प्रॉब्लम है ना, हाँ वो निकल जाएगा. बस ये आया पकड़ में, आया? Yes. तो डीप विद इन अगर आपको समझ आ जाए कि आप कौन हो और आपका इस यूनिवर्स से क्या कनेक्शन है, तो मजा आ जाएगा. वहां से क्लियर हो जाता है कि आई एम नॉट सेपरेट फ्रॉम दिस होल थिंग जो मुझे नजर आ रही है, जिसको यूनिवर्स बोलते हैं, जिसमें आप भी आ गए. ये दीवारें आ गई, लाइट आ गई, ये आ गई, वो आ गई, आसमान आ गया, बादल आ गया, तारे आ गए, सब हो गया. आई एम नॉट सेपरेट फ्रॉम दिस, आई एम नॉट इवन अ पार्ट ऑफ दिस, आई एम दिस. जैसे लहर पानी का पार्ट है या लहर पानी ही है, इसको बोलते हैं रियल इंक्वायरी. डीपली जब समझ आता है कि लहर कहीं भी नहीं है, सिर्फ पानी है. लहर मतलब पानी, पानी मतलब मैं, और सिर्फ पानी ही है चारों तरफ और कहीं कुछ है ही नहीं. ये अगर आपने डीपली समझ लिया तो दिस इज परमानेंट हैप्पीनेस.